हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं री एनालिसिस। आपका ये पार्ट 4 वीडियो है और हम कर रहे हैं CSIR नेट री एनालिसिस के सिलेबस को कवर अप कर रहे हैं। हम कर रहे हैं री एनालिसिस चैप्टर 2 कर रहे हैं हम पॉइंट सेट टपोलॉजी। और नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में हमने नेबरहुड के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे आगे अदरेंट पॉइंट किसे कहते हैं, अदरेंट पॉइंट, ठीक है। आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, यहाँ से ये बेसिक चीज़ें आपको पता हो रहेंगी तो ये आगे काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, ओके। तो इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मैथ्स यूट्यूब चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का टॉपिक हमारा क्या है देखते हैं, अदरेंट पॉइंट। व्हाट इज अदरेंट पॉइंट? जो हमने नेबरहुड का सबसेट पढ़ा, नेबरहुड के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि ए कोई सेट यस है जो सबसेट है रियल नंबर का, और रियल नंबर से हमने कोई पॉइंट एक पिकअप किया ए, तो ओपन इंटरवल उसका एक कोई पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट कर जाए डेल्टा ए प्लस डेल्टा और ए माइनस डेल्टा, जो ओपन इंटरवल बनेगा वो सबसेट हो रहा था किसका, सेट हमारा यस का। अदरेंट पॉइंट में क्या होता है, अगर उस सेट से अगर इंटरसेक्शन निकाल दें तो क्या हो जाएगा, इम्पटी आ जाता है, तो हम कहेंगे ए क्या है, सेट यस का क्या है, अदरेंट पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए डिफिनेशन क्या है, लेट यस सबसेट ऑफ आर, ठीक, एंड ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, देन ए इज कॉल्ड अदरेंट पॉइंट ऑफ यस आर, ए अदरेंट अदरेंस क्या यस, या ए को हम कब बोलेंगे कि वो यस का क्या है, अदरेंट पॉइंट है, ए फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो ओपन इंटरवल ए माइनस डेल्टा कामा ए प्लस डेल्टा का इंटरसेक्शन निकाले सेट यस से जो इसका सबसेट है। अगर वो इम्पटी सेट नहीं आता है, कोई सेट आता है आपका इम्पटी सेट ना आए, तब हम कहेंगे यस जो है आपका ये यस जो है ए इज कॉल्ड अदरेंट पॉइंट ऑफ यस, तो वो तब हम बोलेंगे यस का ए क्या है, अदरेंट पॉइंट है, जब ये कंडीशन आपका हो जाए, ठीक है। एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ यस, तो ये रहा आपका, बस हमने ओपन इंटरवल क्या पढ़ा था, ओपन इंटरवल के बारे में ये पढ़ा था कि ए प्लस डेल्टा या ये माइनस डेल्टा ये सबसेट हो रहा था किसका, यस का, तो हम बोलते ए इज एन बी डी ऑफ यस, ये बोला था हमने। लेकिन अदरेंट पॉइंट में अगर इसका इंटरसेक्शन आप निकालते हो और वो नॉन इम्पटी आ जाता है, तब हम बोलेंगे ए इज अदरेंट पॉइंट ऑफ यस, सिंपल, एक से डिफिनेशन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अदरेंट पॉइंट का डिफिनेशन आपका हो गया पॉइंट ऑफ यस दिस कंडीशन, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फाइनाइट एग्जाम्पल ले देंगे, फाइनाइट एग्जाम्पल लिया 1, 2, 3 लिया, क्या 1 यस का अदरेंट पॉइंट है या नहीं है, चलिए चेक करते हैं। 1 प्लस डेल्टा कामा 1 माइनस डेल्टा ओपन इंटरवल से इंटरसेक्शन निकालते हैं यस से, तो कह रहे हैं इम्पटी सेट नहीं आए, ऑब्वियस है डेल्टा इज पॉजिटिव नंबर, तो 1 में आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लेते हैं यहाँ पर, तो 1 प्लस सपोज हमने डेल्टा बराबर 2 ले लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 प्लस 1 3 आएगा, एंड 1 माइनस क्या आएगा आपका, 1 माइनस आपका क्या आएगा, जब 2 करोगे तो क्या आएगा माइनस 1 आएगा, यानी इस सेट में क्या आया 3 और माइनस, जब इससे इंटरसेक्शन निकालोगे तो कॉमन पॉइंट जो है 3 आ रहा है, इम्पटी नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 जो है यह सर क्या है, अदरेंट पॉइंट है, तो 1 इज अदरेंट पॉइंट, सिमिलरली 1 बिलोंग्स टू इस सेट यस, सिमिलरली 2 एंड 3 आर अदरेंट पॉइंट, सेम ऐसे ही आप 2 भी 3 क्या होगा इसका अदरेंट पॉइंट होगा। अदरेंट पॉइंट को जरूरी नहीं है सेट में बिलोंग करे, बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ये तो रहा आपका सेट में बिलोंग कर रहा है। अब बात करते हैं जो बिलोंग सेट ऑफ ओपन इंटरवल लेते हैं 0, 1 लेते हैं, 0 एंड 1 आर अदरेंट पॉइंट बट 0, 1 डज नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0, 1। अब चलिए हम यहाँ पर 0, 1 जब इसका डेल्टा कोई दो नंबर हम पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करते हैं, कंसिडर करें डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, तो 0 में आप डेल्टा पॉजिटिव नंबर जोड करोगे तो वही नंबर आएगा, और इसका जब इंटरसेक्शन निकालोगे 0, 1 से तो नॉन एम्प्टी आएगा, सेम 1 के लिए भी, तो ये देख सकते हो कि इसका एम्प्टी सेट नहीं आएगा, कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये
जीरो और वन क्या है, ओपन ओपन इंटरवल का आधा एंड पॉइंट है, और वन टू थ्री इस सेट एस का क्या है, आधा एंड पॉइंट है। तो उम्मीद है कि आपको ये डिफिनेशन आधे पॉइंट का और एग्जांपल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इस पर कुछ रिजल्ट्स करते हैं। आइए देखते हैं रिजल्ट्स क्या हैं। रिजल्ट्स ऑफ अधर एंड पॉइंट, ओके, रिजल्ट ऑफ अधर एंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट रिजल्ट क्या आपका है, तो एवरी पॉइंट ऑफ यस इज एन अधरेंट पॉइंट ऑफ यस, मतलब जो भी सेट इसका कंसीडर करोगे सबसेट का, इसका हर जितने भी इसके अंदर एलिमेंट होंगे सब इसके क्या होंगे, अधरेंट पॉइंट होंगे सेट यस का। नंबर टू आपका क्या है कि एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ यस, एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ यस इज एन अधरेंट पॉइंट ऑफ यस, अधरेंट पॉइंट ऑफ यस, ओके। मतलब अभी हम लिमिट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जो भी इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं होगा वो सब क्या होगा, यस का अधरेंट पॉइंट होगा। थ्री नंबर आपका जो रिजल्ट है वो क्या है आपका कि एन अधरेंट पॉइंट, अधरेंट पॉइंट ऑफ यस नीड नॉट टू बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ यस, ओके। कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है जो भी इस सेट यस के जो अधरेंट पॉइंट होंगे वो इसके लिमिट पॉइंट भी होंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे हम लिमिट पॉइंट के बारे में, ओके। तो ये रहा आपका अधरेंट पॉइंट और एग्जांपल और इसके कुछ सम प्रॉपर्टीज। ठीक है, और हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट आर क्लस्टर पॉइंट। लिमिट पॉइंट को भी हम क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होता है डिफिनेशन, आइए देखें डिफिनेशन क्या होता है। अ पॉइंट ए बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट अ सबसेट ऑफ एस ऑफ आर, मतलब यस का सबसेट होना चाहिए आर का। ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ यस इफ एवरी नेबरहुड ऑफ ए हैज़ पॉइंट ऑफ यस अदर देन ए, मतलब कह रहा है कि जो भी ए के नेबरहुड, इफ नेबरहुड ऑफ एवरी नेबरहुड ऑफ ए हैज़ पॉइंट यस अदर देन ए, ए के अदर अलावा आपको सेट यस में और भी हमें नेबरहुड मिलना चाहिए। एग्जाम्पल अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ सबसेट ऑफ यस ऑफ आर इफ ईच नेबरहुड ऑफ ए फॉर ईच डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन होल्ड होना चाहिए। मतलब ए के अलावा आपको अगर जितने भी नेबरहुड मिलेंगे और उनका हम इंटरसेक्शन लें तो क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना चाहिए। ए के नेबरहुड इंटरसेक्शन यस माइनस ए, क्योंकि ए सेट सेट यस से आपको ये कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो ए के नेबरहुड्स और ए सेट यस माइनस ए का अगर इंटरसेक्शन निकालें तो नॉन एम्प्टी आए, तब कहेंगे हम ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट यस। एक और इसका डिफिनेशन क्या है, देखिए डिफिनेशन एक और इसका है। अ पॉइंट ए बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर इज सेट टू बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ
subset S if every NBD, NBD मतलब neighborhood of A contains infinite many point of S. Infinite many point of S. एक और डिफिनेशन से क्या है कि अगर ये जो है सेट S का लिमिट पॉइंट है तो A के नेबरहुड में आपको इनफाइनाइट पॉइंट जो है कंटेन करने चाहिए सेट S में, तभी हम बोलेंगे A जो है सेट S का लिमिट पॉइंट है। ओके एक और इसका डिफिनेशन क्या है, A इज लिमिट पॉइंट ऑफ S एवरी नेबरहुड ऑफ A कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ S अदर देन A। A के अलावा आपको कम से कम एक पॉइंट S में कंटेन मिलना चाहिए, तब कहेंगे S A जो है S का लिमिट पॉइंट है। एनी रियल नंबर A इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट इफ नॉट ओनली इफ एवरी नेबरहुड ऑफ A कंटेन इनफाइनाइट नंबर इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ S, तो इसको आप बोल सकते हैं लिमिट पॉइंट। तो सिंपल डिफिनेशन है, नेबरहुड से जुड़ा हुआ है, मतलब A के अदर देन A, अगर A सेट S का लिमिट पॉइंट है तो अदर देन A एंड नेबरहुड ऑफ A इंटरसेक्शन ना निपटी देन A इज कॉल क्या लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S, ठीक है, तब हम बोलेंगे सेट S का लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल्स की बात करते हैं, फर्स्ट हम लेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का देखेंगे कि क्या इसके पास लिमिट पॉइंट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, कंसीडर सेट यस 1 2 3 4, क्या 1 इस सेट का लिमिट पॉइंट है? तो 1 के नेबरहुड में हमें इनफाइनाइट पॉइंट सेट यस में कंटेन करने चाहिए, तभी तो हम कहेंगे अगर 1 इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट S देन 1 माइनस डेल्टा इंटरसेक्शन S माइनस 1 इज नॉन एम्प्टी, ये कंडीशन होगा, तब हम कहेंगे 1 क्या है सेट S का लिमिट पॉइंट है। फॉर इज डेल्टा इज पॉजिटिव नंबर, कंसीडर करिए, चलिए डेल्टा इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तो देखते हैं सेट S हमारा क्या है। आप S माइनस 1 करना है, नहीं 2 3 4 आएगा, नॉन एम्प्टी आना चाहिए, तो यहाँ से देखिए 3 माइनस 1 इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, यानी 1 जो है सेट S का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। डेल्टा आपको कोई भी नंबर आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा फाइनाइट सेट का। अब हम बात करेंगे काउंटेबल सेट की बात करते हैं। ठीक है, काउंटेबल सेट में देखिए, काउंटेबल सेट जो होते हैं वो उसके लिमिट पॉइंट होते हैं या नहीं होते हैं, आइए देखते हैं काउंटेबल सेट के लिमिट पॉइंट होते हैं कि नहीं होते हैं। फाइनाइट सेट के पास तो लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं। काउंटेबल सेट का एग्जांपल लेते हैं, 3 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर 3 इज लिमिट पॉइंट, एलपी का मतलब लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इफ दिस कंडीशन, अगर ये कंडीशन 3 प्लस डेल्टा 3 माइनस डेल्टा इंटरसेक्शन नेचुरल नंबर माइनस 3 नॉन एम्प्टी आना चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि 3 जो है लिमिट पॉइंट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। सपोज डेल्टा इज पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर आप पुट अप करोगे तो 7/2 5/2 इंटरसेक्शन n माइनस 3, मतलब आपको ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से 3 कंसीडर नहीं करने हैं, बाकी से अगर इंटरसेक्शन निकालोगे तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट कोई नहीं मिलने वाले, एम्प्टी सेट आएगा। इसका मतलब कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं उसके पास लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं, एम्प्टी होता है। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल सेट की। सेट ऑफ रियल नंबर लेते हैं, 4 बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब ये कंडीशन देखोगे तो इसके पास देख लीजिए, ये जब ऐड करोगे तो 8 और यह 0 है, ये ओपन इंटरवल 8, 0 इंटरसेक्शन सेट ऑफ रियल नंबर माइनस 4, इसके पास इनफाइनाइट पॉइंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन में इसका मतलब है अनकाउंटेबल सेट के पास लिमिट पॉइंट होते हैं। ठीक है,
और आपका काउंटेबल और फाइनल सेट के पास लिमिट पॉइंट हमें नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका लिमिट पॉइंट और का डिफिनेशन एंड एग्जांपल, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, क्लोजर ऑफ सेट। किसी सेट का क्लोजर कैसे निकालते हैं। बेसिक क्लोजर सेट का डिफिनेशन यही है कि किसी भी सेट का अगर हमें क्लोजर पता करना है तो उस सेट का, उसी सेट का जो लिमिट पॉइंट हो, यानी सेट का डिराइव सेट अभी हम डिस्कस करेंगे, उस सेट का जो लिमिट पॉइंट होगा उसके साथ अगर यूनियन लेते हैं तो जो आपको यूनियन लेने पे जो भी एलिमेंट आता है वो उस सेट का क्या होता है, क्लोजर होता है। डिफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ ऑल अदरेंट पॉइंट इज कॉल्ड द सेट पॉइंट, सेट ऑफ ऑल अदरेंट पॉइंट इज कॉल्ड कॉल क्लोजर ऑफ सेट, यस इफ इट इज डिनोटेड बाय दिस। तो क्लोजर ऑफ यस इज टू क्या होता है, यस यूनियन यस का ये लिमिट पॉइंट, इस सेट का क्या है, लिमिट पॉइंट है। जैसे हम सेट ऑफ इंटीजर का लिमिट पॉइंट की बात करते हैं तो क्या आता है, एम्प्टी सेट आता है, ठीक है। क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर के किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में कोई पॉइंट मिलता ही नहीं है, इसलिए उसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो जेड क्लोजर में जेड यूनियन आपका ये सेट ऑफ इंटीजर का लिमिट पॉइंट लोगे एम्प्टी आएगा। तो इसके साथ यानी इसका जेड सेट ऑफ इंटीजर में अगर क्लोजर पूछा जाए तो वही होता है। सेम देख सकते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर में एम्प्टी सेट में देख लीजिए, एम्प्टी सेट का अगर क्लोजर निकालें तो एम्प्टी सेट ही आएगा। कुछ रिजल्ट देखते हैं, और एनी सेट ए क्लोजर ऑफ ए इज क्लोज्ड, ठीक है। अब फॉर एनी सेट अगर कोई सेट ए है उसका क्लोजर निकाला गया, अगेन क्लोजर निकाला जाए तो क्लोजर ऑफ ए के इक्वल्स होता है। फॉर एनी सेट क्लोजर ऑफ ए इज स्मॉलेस्ट सेट कंटेनिंग ए, क्लोजर ऑफ जो सेट है वो इस सेट ए का स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए है, ठीक है। तो ये रहा आपका डिफिनेशन, सिंपल डिफिनेशन। किसी सेट का क्लोजर निकालना है, उस सेट का उसे सेट के लिमिट पॉइंट जितने उसके सेट में मतलब डिराइव पॉइंट से या लिमिट पॉइंट पूरी लिमिट पॉइंट में इसका यूनियन ले लेंगे तो वही उस सेट का क्या होता है, क्लोजर होता है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।